हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे Zee5 ऐप पर रिलीज हुई एक नई तेलुगु सीरीज जिसका नाम है शूट आउट एट एलियर। यार इस शो को लेकर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि यार इसमें कुछ तो ऐसा बताएगा जो मुझे देखना चाहिए, इस वजह से मैंने इस शो को चेकआउट किया है। इसमें आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के है और ये सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में अवेलेबल है विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे शो में आपको कई जगह पे हिंदी लैंग्वेज सुनने को मिलती है विथ हैदराबादी एक्सेंट। तो यार जो हिंदी व्यूवर्स है उनको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये सीरीज आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं वही सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां मर्जी जाए बस शेयर कर देना। तो आप ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। बात करेंगे शो के प्लॉट की, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये शो बेस्ड है ट्रू इंसिडेंट पे, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें वाकई में हुई थी। अब बात करेंगे शो के कहानी की, जो कि शुरू होता है 2007 से, जहां पर हैदराबाद की ओल्ड सिटी में मक्का मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट में काफ़ी लोगों की जान गई थी। लेकिन अब ब्लास्ट होने के ठीक एक साल बाद सेम दिन जिस दिन ब्लास्ट हुआ था उस दिन हो जाता है एक पुलिस वाले का मर्डर, और ये चीज़ें हर साल रिपीट होने लगती है और इन सारी चीज़ों के पीछे होता है अख्तर। लेकिन अब 12 साल बाद फिर से उसी दिन एक पुलिस वाले का हो जाता है मर्डर। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज। खैर अब बात करेंगे शो में कैरेक्टर्स की, तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिनको इस पूरे शो में अच्छी तरह से डेवलप करने के चक्कर में डायरेक्टर्स से बहुत बड़ी बड़ी गलती हुई है। वो ये है कि आपको पूरे सीरीज में बहुत सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल जाते हैं जिसका कुछ भी सेंस नहीं बनता, यानी कि वो हर एक एपिसोड को सिर्फ ड्रैग करते हुए नजर आता और कुछ भी नहीं है, और ये मुझे सबसे बड़ा वीक पॉइंट लगा इस पूरे शो का। उसके अलावा शो के अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो यार ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, उन लोगों ने हैदराबाद को और अहमदाबाद को इसमें बताया और बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह पे शूट भी किया है। शो में आपको काफी वॉयलेंस भी देखने को मिल जाता है। फिर उसके अलावा शो की जो कहानी है वो पास्ट और प्रेजेंट में चलती है, यानी कि पास्ट में अख्तर किस तरीके से पुलिस वालों को मारता था, उस वक्त अख्तर की सोच क्या होती थी और पुलिस वाले किस तरह से इन्वेस्टिगेट करते थे, फिर और प्रेजेंट में 12 साल बाद ये सारी चीजें होने लगी तो पुलिस वाले किस तरीके से सारी चीजों को टैकल कर रहे थे, यानी कि बहुत सारी चीजें हमें पास्ट और प्रेजेंट में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है जब हम लोग इस तरीके की चीजें किसी मूवीज या वेब सीरीज में देखते तो कभी कभी वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी वो सारी चीजें हमें इरिटेट करने लगती है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। उसके अलावा शो में अख्तर और नफीसा इन दोनों का लव एंगल भी बताया, और उस लव एंगल को यहाँ पर डायरेक्टर ने बेमतलब का ड्रैग किया है। मेरे हिसाब से अगर हम लोग एज अ व्यूअर देखें तो हमको पता है कि भाई अख्तर और नफीसा के बीच में कुछ चल रहा है या वो एक दूसरे से प्यार करते, तो एक सीन बताता है, दो सीन बताता है, लेकिन इतने ज़्यादा सीन्स बताया और उस सीन में किसिंग सीन, एडल्ट सीन बता रहा है, तो उसका ना सेंस नहीं बनता। और उसमें क्या होता है फिर इस तरीके के शोज है ना फैमिली शो नहीं रहते, फिर वो क्या होता है ना एक लेवल पे ना जो इंटरेस्ट है ना ऑडियंस का वो लूज कर देता है। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट की इस पूरे शो में। उसके अलावा शो के अगर BGM की बात करूँ तो यार साउथ की मूवीज़ और सीरीज़ कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। हालांकि यहाँ पर कुछ जगह पे आपको लाउड BGM सुनने को मिलता है, लेकिन बाकी जो दूसरे सीन्स हैं वहाँ पर इमोशनल और थ्रिल और रोमांटिक जो म्यूज़िक डाली गई है वो बहुत ही अच्छी है, वो इस पूरे शो को बहुत ही परफेक्ट तरह से बैलेंस भी करती है। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर हर एक एक्टर ने डिसेंट काम किया है, और मेरे लिए तो सारे चेहरे न्यू फेस थी, हुआ प्रकाश राज सर को छोड़कर। उनके परफॉर्मेंस के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि स्टार्ट में वो हमको इस सीरीज में इतना ज़्यादा नज़र नहीं आते, आखिर के एपिसोड में वो थोड़ा बहुत नज़र आते, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उनका भी इस शो में इतना ज़्यादा काम है नहीं, लेकिन जितना भी है उन्होंने अच्छी तरह से निभाया है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ये शो में आपको काफ़ी जगह पर किसिंग सीन देखने को मिल जाएंगे, तो इस वजह से आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 7 out of 10। मेरे हिसाब से ओवरऑल ये शो अच्छा है, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल है तो ये शो आप लोग जरूर देखना, क्योंकि ये ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है और वाकई में इस शो को अच्छी तरह से रिसर्च करके बने शो को बनाया। लेकिन अगर इस शो की एडिटिंग और इस शो की अगर राइटिंग थोड़ा और क्रिस्प करते, यानी कि एपिसोड को थोड़े छोटे छोटे रखते ना, तो ये शो वाकई में ऑसम होता। मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि इस शो को एक टाइम तो जरूर देखना, स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए तो उसको कंटिन्यू करो, अदरवाइज शो को मत देखना, ऐसा कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। मेरा काम था रिव्यू करना, मैंने हर एक चीज़ यहाँ पर इजीली समझा दी आपको, बाकी आपके ऊपर है। तो यार बस इस वीडियो में इतना, वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर दो, अब तो नहीं अच्छा लगे तो यार डिसलाइक कर दो, और ज़्यादा अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तिल दिन दुआ में याद रखना, बाय।